नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हमारे पास एक जियो का मोबाइल है, जियो F220। और हमसे काफ़ी बार यही पूछा गया है कि क्या हमारे माइक को हम हमारे टू पिन यूनिवर्सल माइक नहीं लगा सकते जियो F220 में। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी बताएंगे कि आप अपने जियो 220 के अंदर ये जो चार पॉइंट्स आते हैं हमारे, जो हमारे तांबे के जो माइक आता है, इसकी जगह हम नॉर्मल यूनिवर्सल माइक किस प्रकार से लगाएं। यानी कि जो हमारे दो वायर का यूनिवर्सल माइक है, ये हम आपको इससे लगा कर दिखाएंगे और आपको बिल्कुल चेक करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारा यूनिवर्सल माइक हमारे F220 के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी कुछ रेजिस्टेंस की। यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस आप पुराने किसी भी मदरबोर्ड से निकाल सकते हो। ये देखिए, हमारा पुराना मदरबोर्ड है और रेजिस्टेंस हमारी ये ब्लैक आपको ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ब्लैक जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर हमारी वैल्यू आनी चाहिए 1.5। ये देखिए, ये सारे के सारे हमारे जो भी रेजिस्टेंस है, ये हमारे इसके अंदर हमें एक रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी और आप वो रेजिस्टेंस लगाकर हम हमारे माइक को बिल्कुल से यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें से एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, हम आपको चेक कराते हैं। तो हम इसमें एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हमारा, आप देख पा रहे हैं ये रेजिस्टेंस हम इसमें से निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने एक रेजिस्टेंस निकाल लिया और हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमने एक रेजिस्टेंस निकाल लिया है ब्लैक कलर का, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर आपको वैल्यू चेक करनी है 1.5 की। ये देखिए, मीटर से आप चेक कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस से आप अपने यूनिवर्सल माइक को लगा सकते हो। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ माइक के बारे में। तो ये देखिए, हमारा जो ये माइक है, चार सेक्शन आते हैं। ये दो सेक्शन हमारे हैं, ये जो लेफ्ट साइड के हैं ये हमारे ग्राउंड है और ये हमारे प्लस सेक्शन का है, यानी कि हमारे माइक का प्लस सेक्शन है। और जो फोर्थ ऑप्शन हमारा ये बच रहा है, ये हमारा ऑडियो फिल्टर का काम करता है, यानी कि हमारे फिल्टर का काम करता है और ऑडियो हमारे इससे बेस्ट क्वालिटी आती है। तो हमें जो ये रेजिस्टेंस हमने निकाला है, ये हमें माइक प्लस के और ऑडियो फिल्टर के बीच में हमें दोनों में लगाना है। और ये ग्राउंड है हमारा, जो यूनिवर्सल का कोई भी माइक है, कोई भी वायर है, हम इन दोनों में से किसी पे भी लगा सकते हैं। तो पहले हम हमारा फिल्टर लगाते हैं रेजिस्टेंस को। तो ये हम इसकी मदद से लगाते हैं, आप देखिए। और हम इसमें सोल्डर की मदद से थोड़ा सा इसको लगा देते हैं। ये देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने की। ये हमने इसको यहाँ पर सोल्ड कर दिया। एक बार मैं इसको सोल्ड कर देता हूँ, फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, हमने एक साइड में इसमें सोल्ड कर दिया, दूसरी साइड में भी हम इसको सोल्ड कर देते हैं। सोल्डिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि हमारा जो
रेजिस्टेंस है बहुत छोटा है और ट्विजर की मदद से हम इसे पकड़ने में भी हो सकता है थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो, तो आप बिल्कुल इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक लगाइएगा कि हम इसको हटा देते हैं आपको दिखे अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस हमने लगा दी, आप देख पा रहे हैं हमने इन दोनों को यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, आप देखिए बिल्कुल से। और अब हमें क्या करना होगा, हमारा यूनिवर्सल माइक लेना होगा और इसका एक पॉइंट हमें नेगेटिव लगाना होगा, एक पॉजिटिव लगाना होगा। तो ये ब्लैक वाला वायर हम इसके टॉप में यहाँ पर लगा देते हैं। और ये प्लस का हमें इसके टॉप में यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए हमने किस प्रकार से इसको सोल्ड किया, आप देख लीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पर प्लस में हमारा ये इस रेजिस्टेंस के टॉप में लगा दिया और ये हमने एक नेगेटिव दे दिया। नेगेटिव आप इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो। और अब हम इसमें ऑन करके हमारा चेक करते हैं, ये हम कीपैड लगा देते हैं इसका। और ये हम इसमें ऑन करते हैं हमारा, और ये हम इसमें कॉल करके चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये मोबाइल ऑन हो गया है। हम आपको पहले इसमें रिकॉर्डिंग करके चेक करते हैं, हम इसके रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाते हैं। कहाँ पर है इसका रिकॉर्डिंग सेक्शन, जैसे कि हम इसमें जियो लाइव चला के देख लेते हैं। जियो लाइव असिस्टेंट से हमें पता लग जाएगा कि हमारी आवाज़ इसमें जा रही है या नहीं जा रही। ये देखिए हम जियो लाइव असिस्टेंट चलाते हैं इसमें और हम इसमें कोई भी चीज़ हम बोलते हैं, ओके करते हैं। यूट्यूब ओल्ड सॉन्ग्स देखिए, ये देखिए हमारी पूरी वॉइस चली गई है यूट्यूब ओल्ड सॉन्ग्स, ये देखिए दोस्तों। और ये देखिए हम हमारे इसी माइक से हमारा बोल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये हमारा माइक है। हम दोबारा से इसको बैक करते हैं और दोबारा से हम इसको दोबारा बोलते हैं, SKK मोबाइल टेक्निकल सॉन्ग्स। देखिए हम जो भी चीज़ बोल रहे हैं, देखिए। और अब हम दोबारा चेक करते हैं, हमने दोबारा होल्ड किया, अनमोल खुशी टेक्निकल किंग। ये देखिए हमारा YouTube चैनल हमारे सामने आ गया। तो हम इसी से बिल्कुल बोल रहे हैं और बिल्कुल ही हमारी बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है और पूरा का पूरा हमारा वर्क कर रहा है। तो देखा दोस्तों कितना आसान है कि हम जियो 220 मोबाइल के अंदर हमारा यूनिवर्सल दो वायर का हम बिल्कुल माइक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बिल्कुल एक रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस आप किसी भी आप पुराने मदरबोर्ड से निकाल सकते हो। ये देखिए जो भी हमारे काले काले जो आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी रेजिस्टेंस है छोटी छोटी। आप इनमें से बिल्कुल 1.5 वोल्टेज आप इसके अंदर चेक कर लीजिए और बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल कर आप अपने यूनिवर्सल माइक को लगा सकते हो और बिल्कुल आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार हमसे यही कंफर्म किया गया कि क्या हम हमारे जियो फोन के अंदर
220 के अंदर नॉर्मल माइक, यूनिवर्सल माइक लगा सकते हैं दो वायर का। तो आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल ही आपको बता दिया किस प्रकार से हम लगा सकते हैं। हमारा फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे ग्राउंड रहने चाहिए, जिसमें से आप जिस पे चाहे उस पे आप लगा सकते हो। नीचे वाला हमारा माइक का प्लस पॉइंट होना चाहिए और ऊपर वाला हमारा माइक का बिल्कुल हमारी ऑडियो फिल्टर का काम करता है। तो इन दोनों के बीच में हमें एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ेगी, छोटे से रेजिस्टेंस की, जो कि आप पुराने किसी भी मदरबोर्ड से आप निकाल सकते हो। और लगाने के बाद में आप देखिए किस प्रकार से हमने सोल्ड किया है। हमने टॉप में तो इसका प्लस का कर दिया और यहाँ पर हमने इसका नेगेटिव कर दिया और हमारा बिल्कुल ये वर्क कर रहा है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने हमारे जियो 220 में यूनिवर्सल माइक लगाया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।